हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 226 नर्वस सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज थर्ड लेक्चर स्टडी करेंगे जिसका नाम है न्यूरोग्लिया। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए न्यूरोग्लिया या इन्हें हम कहते हैं ग्लियल सेल्स, इनका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स मिलेंगे, बेसिकली एक न्यूरॉन्स और एक न्यूरोग्लिया। ये जो वर्ड है ग्लिया, ग्लिया का मतलब होता है ग्लू। बेसिकली पहले जब हम ये सोचते थे कि ये वो सेल्स है जो बहुत न्यूरॉन्स को एक साथ रखने का या उनका काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, ग्लू की तरह काम करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया न्यूरोग्लिया। बट जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी हमें पता चलता गया कि इनके और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। अब इनका नंबर इतना ज्यादा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हाफ वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम न्यूरोग्लिया की वजह से रहता है। अब न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया को मैं अगर कंपेयर करूं तो न्यूरोग्लिया का साइज न्यूरॉन्स से छोटा है, लेकिन इनका नंबर न्यूरॉन्स से 5 गुना से लेकर 25 गुना तक ज्यादा रहता है। बट मेन डिफरेंस ये है कि न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इंपल्स फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहां पर किसी तरह का एक्शन पोटेंशियल या कोई भी पोटेंशियल न्यूरोग्लिया में डेवलप नहीं होता। और अनलाइक न्यूरॉन्स ये डिवाइड करते हैं, न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करते क्योंकि इनके अंदर सेंट्रल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ग्लियल सेल्स कैन मल्टीप्लाई। तो चलो शुरुआत करते हैं न्यूरोग्लिया की। देखो न्यूरोग्लिया के टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में 4 तरह के न्यूरोग्लिया हमें पढ़ने को मिलेंगे। एक है माइक्रोग्लिया, फिर उसके बाद में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और फिर एपेंडाइमल सेल्स। यानी ये 4 टाइप के न्यूरोग्लिया में मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसी तरह अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो पीएनएस के अंदर केवल 2 टाइप के ही न्यूरोग्लिया मिलेंगे, एक है सैटेलाइट सेल्स और दूसरे हैं श्वान सेल्स। तो इनकी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए श्वान सेल्स के बारे में डिस्कशन हम न्यूरॉन्स वाले वीडियो में यानी इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी इसके बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो श्वान सेल्स पे को लेकर इस वीडियो में कोई डिस्कशन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग केवल जो बाकी के 5 न्यूरोग्लिया है केवल उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यूमोनिक बता देता हूँ आपको, जिससे हम ये याद रख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए आपको एक इंग्लिश नेम याद करना पड़ेगा और वो नेम है ओली, यानी कि नेम ओली। नेम ओली से आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 4 न्यूरोग्लिया का नाम याद कर सकते हो। एन, एन का मतलब होगा न्यूरोग्लिया, यानी ये निमोनिक न्यूरोग्लिया याद करने के लिए है। नेक्स्ट है ए, ए से याद होगा आपको एस्ट्रोसाइट्स। एम, एम से आप याद रखो माइक्रोग्लिया। ई से एपेंडाइमल सेल्स और ओली से याद रखना है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, यानी एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये 4 टाइप के न्यूरोग्लिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो ये 4 नाम आपको ओली के नाम से याद हो जाएंगे, आप बस याद रखिए नेम ओली। चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूरोग्लिया जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एस्ट्रोसाइट्स। अभी फिगर देखो, आपको यहां पर एक सेल दिख रहा होगा जो बिल्कुल स्टार शेप्ड है, इसलिए इनका नाम रखा गया है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो बेसिकली एक का मतलब होता है स्टार, जैसे हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार और साइट का मतलब होता है सेल, इसलिए इसका नाम रखा गया एस्ट्रोसाइट। इनके अंदर भी आपको सेल्स में प्रोसेसेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो आप, क्लियर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर भी ये नॉर्मल सेल हो गया और ये बहुत सारे सेल के प्रोसेसेस, इस तरह के सेल प्रोसेसेस आपने न्यूरॉन में भी देखे होंगे। अब ये सेल प्रोसेसेस एस्ट्रोसाइट्स में भी प्रेजेंट है, और ध्यान से देखो ये सेल प्रोसेसेस किस तरह से जो न्यूरोग्लिया यानी कि एस्ट्रोसाइट्स है ये आपके ब्लड वेसल्स के चारों तरफ अच्छे से रैप होकर बैठे हैं। इससे फायदा क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहली बात तो एस्ट्रोसाइट सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूरोग्लिया, इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट न्यूमरस न्यूरोग्लिया, स्टार शेप्ड है, बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस हैं। और ये एस्ट्रोसाइट्स जो ब्लड कैपिलरीज है नर्वस सिस्टम में, उन ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ रैप अप होके रहते हैं। इससे होगा क्या, देखो आप ये फिगर देखो, यहाँ पर देखो ये मैं ब्लड कैपिलरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुना मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ आपको। देखो ये ब्लड कैपिलरी है और इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ये ब्लड है। ब्लड कैपिलरी के होती है अंदर होती है एंडोथीलियम, ये देखिए ये ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम और ये इसके एंडोथीलियल सेल्स, ये ब्लड कैपिलरी की वॉल के सेल्स हैं। और ब्लड कैपिलरी के एंडोथीलियम के नीचे प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमें अच्छे से पता है हर एपिथीलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यानी ये अगर ब्लड कैपिलरी है समझ लो ऐसे, ये ब्लड कैपिलरी के अंदर का इंटीरियर है, तो इसकी ये जो वॉल है दिस इज एंडोथीलियम और इस एंडोथीलियम के नीचे के
पीछे की तरफ यानी बाहर की तरफ होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर यानी ब्लड वेसल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एस्ट्रोसाइट्स। तो ये देखो यहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, कुछ यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरह से। इसकी वजह से आपको कहीं पे भी यहाँ पर किसी तरह का कोई गैप नहीं दिख रहा होगा, मतलब एस्ट्रोसाइट्स यहाँ देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एस्ट्रोसाइट ये प्रोसेस दे रखा है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे किसी भी तरह का गैप नहीं है। अब यहाँ पे कैपिलरी का एंडोथीलियम, फिर उसके बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाहर एस्ट्रोसाइट, इन तीनों की वजह से यहाँ पे आपको एक लेयर दिख रही होगी। अब ये लेयर ये बनाती है ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी बैरियर, मतलब क्या होता है कोई रुकावट। अब इस ब्लड ब्रेन बैरियर का जो रोल है वो ये रहता है कि ब्लड के अंदर किसी भी तरह का अगर कोई पोटेंशियली हार्मफुल पैथोजन या कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो यहां से नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता। आप देखो यहां पर क्या है ब्रेन, ठीक है, अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हार्मफुल सब्सटेंस या पैथोजन डायरेक्ट ब्रेन में एंटर करेगा तो वो उस टिश्यू को डैमेज करेगा। तो ब्लड के अंदर से इसका डायरेक्ट एंट्री को क्या किया गया है, ब्लॉक, और ये किसने किया, ब्लड ब्रेन बैरियर ने। और ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है एंडोथीलियम जो कि कैपिलरी का पार्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एस्ट्रोसाइट्स के लिए। तो एस्ट्रोसाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, इट फॉर्म्स द ब्लड ब्रेन बैरियर जो ब्लड के अंदर मौजूद किसी भी तरह के हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। ये देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, देखो ये सेल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बीच में, नाउ दिस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब इसमें भी प्रोसेसेस प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे यहाँ पर केवल कुछ ही प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। और ये प्रोसेसेस जाकर कहाँ पर अटैच है, ये अटैच है न्यूरोन की माइलिन शीथ पे। अब ये न्यूरोन हो गया, ये न्यूरोन का साइटोन और ये एक्सॉन, और ये इसके माइलिन शीथ। माइलिन शीथ से कौन अटैच्ड है, सीधा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मतलब सीधा कनेक्शन किसके साथ में है, माइलिन शीथ के साथ में। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। यस, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये सेम फंक्शन कैरी आउट करता है श्वान सेल्स, यानी कि बेसिकली ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वही काम करते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन करेगा, श्वान सेल्स यानी कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया वो देखो आप, ओलिगो, ओलिगो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फ्यू या कम, और डेंड्रो हमने पढ़ा था न्यूरॉन के अंदर ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो जो प्रोसेसेस यानी जो डेंड्राइट्स इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं, सेल प्रोसेसेस, वो कम होते हैं, फ्यू होते हैं, इसलिए हमने इस सेल का नाम रखा ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ओलिगो वर्ड आपने सैकेराइड्स में सुना होगा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर ओलिगो सैकेराइड्स या ओलिगोपेप्टाइड्स, तो उसमें भी ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब क्या था, फ्यू नंबर ऑफ सैकेराइड मॉलिक्यूल्स। तो बस वहीं पे से वर्ड ओलिगो हमने यूज किया है। अब दिखते ही एस्ट्रोसाइट्स की तरह ही है, बट ये एस्ट्रोसाइट से छोटे होंगे और इनमें प्रोसेसेस भी थोड़े कम होते हैं। फंक्शन इन ये सिंथेसिस करते हैं माइलिन शीथ का इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसको मेंटेन करने का फंक्शन कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा माइक्रोग्लिया की। माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, यानी एक बहुत ही छोटा न्यूरोग्लिया है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट इनके प्रोसेस अगर मैं कंपेयर करूं जो पीछे हमने एस्ट्रोसाइट या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट देखा, तो उनके प्रोसेसेस थोड़े वाइड थे, लेकिन माइक्रोग्लिया के प्रोसेसेस थोड़े पतले हैं, इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रोग्लिया छोटे छोटे सेल्स हैं जिनमें थोड़े स्लेंडर प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो माइक्रो मतलब स्मॉल और ग्लिया मतलब ग्लियल सेल्स यानी कि छोटा सा न्यूरोग्लिया। और मेन जो इसका फंक्शन है वो फंक्शन है इसका फेगोसाइटिक फंक्शन। फेगोसाइटोसिस हमने अच्छे से पढ़ा है, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो सेल के अंदर किसी भी तरह का सेलुलर डेब्रिस, किसी पैथोजन को, माइक्रोब्स को और डैमेज्ड टिश्यू को जो है रिमूव करने का काम करते हैं। तो बस सेम वही फेगोसाइटिक फंक्शन माइक्रोग्लिया का रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी बेसिकली माइक्रोग्लिया आर फेगोसाइट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एपेंडाइमल सेल्स, ध्यान से सुनिएगा जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो मैं बात कर रहा हूँ एपेंडाइमल सेल्स सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो एपेंडाइमल सेल्स एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे और इनमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाय और सीलिया। सिंगल लेयर होगी इनकी हमेशा और इनके ऊपर हमेशा आपको माइक्रोविलाय और सीलिया देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो आप इनके सर्फेस पे आपको बहुत सारे माइक्रोविलाय और सीलिया देखने को मिलेंगे। ये और ये जो एक सिंगल सेल है ये एक एपेंडाइमल सेल हो गया, और ये जो पूरी लेयर बन रही है इसको हम कहते हैं एपेंडाइमा। अब ये लेयर कहां प्रेजेंट होगी, लेयर प्रेजेंट होंगी हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स
और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में। देखो ब्रेन के वेंट्रिकल्स क्या है, आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं जिसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे आप कहते हो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उन एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग कहते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये अलग अलग वेंट्रिकल्स शो हमने कर रखे हैं, जो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग ब्रेन वाला चैप्टर स्टडी करेंगे। ये एम्प्टी प्लेसेस है जहां पर क्या प्रेजेंट है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के एकदम सेंटर में यहां पर देखो ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। मैं पढ़ा होगा कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ प्रेजेंट है व्हाइट मैटर, अंदर की तरफ प्रेजेंट है ग्रे मैटर, और बीचों बीच में कैनाल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। ये भी हॉलो होती है और उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी कि वो स्पेसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, उन एम्प्टी स्पेसेस की जो जो वॉल है उस वॉल पे प्रेजेंट होते हैं एपेंडाइमल सेल्स। जैसे आप समझ लो कि ये है हमारा सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड का, तो इस सेंट्रल कैनाल की ये जो इनर वॉल है ये बनी होती है एपेंडाइमा से, यानी कि एपेंडाइमल सेल से, और जो माइक्रोविलाय और सीलिया है वो यहां पर इस तरफ ल्यूमन की तरफ प्रेजेंट होंगे जो सीएसएफ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते हैं एपेंडाइमल सेल और इनका फंक्शन क्या होगा कि ये प्रोड्यूस करते हैं सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन और सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सर्कुलेशन होगा वो होता है एपेंडाइमल सेल्स की वजह से। इनको और ज्यादा डिटेल में हम लोग ब्रेन वाले चैप्टर में जब हम लोग सीएसएफ के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम वहां पर स्टडी करेंगे। चलिए फिर एक सिंगल पिक्चर में मैं आपको सारे न्यूरोग्लिया दिखा देता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। देखो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को पहले समझिए ये है क्या। ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर मैंने शो कर रखा है ये है पायामीटर। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके ऊपर मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं में से एक मेनिक्स का नाम है पायामीटर। यानी यहां से हम लोग बाहर से अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे नीचे ये प्रेजेंट है हमारा एपेंडाइमा, यानी कि ये जो पूरा लेयर दिख रहा है दिस इज एपेंडाइमा और इनके सेल्स हैं एपेंडाइमल सेल्स, और यानी कि एपेंडाइमल सेल्स और इस तरफ होगा क्या वेंट्रिकल यानी कि ल्यूमन, वेंट्रिकल का ल्यूमन, और यहाँ पे लाइनिंग किसकी बनी है एपेंडाइमल सेल्स की। यानी पायामीटर से लेकर, यानी कि आप समझ लो कि मैं अगर यहां से एंटर करूंगा तो स्कल का बोन आएगा, फिर उस बोन के नीचे आएंगे ब्रेन के मेनिंजेस यानी पायामीटर, और फिर उसके बाद में चालू होगा आपका न्यूरोनल टिश्यू और वेंट्रिकल्स। यानी कि पायामीटर से लेकर यहां तक वेंट्रिकल तक ही पूरा स्पेस में क्या प्रेजेंट होते हैं केवल और केवल नर्वस टिश्यू यानी कि न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। तो उसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बाहर की तरफ सेल्स ऑफ पायामीटर और ये वेंट्रिकल हो गया। सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा सेल दिख रहा है माइक्रोग्लियल सेल फंक्शन, ये फेगोसाइटोसिस करेगा। उसके अलावा ये प्रेजेंट है एस्ट्रोसाइट्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करेंगे, और मैंने यहाँ पे वापस शो कर रखा है। देखो ये एस्ट्रोसाइट है, तो एस्ट्रोसाइट किस तरह से एक ब्लड वेसल के साथ में रैपअप होके बनाया, और ये ब्लड वेसल दिखा रखी है यहाँ पर, और इस ब्लड वेसल के ऊपर जो कवरिंग है वो बनी है किसके एस्ट्रोसाइट की जो बैरियर प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा ये न्यूरॉन्स हो गए, आपको क्लियर दिख रहा होगा ये न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन का साइटोन और ये न्यूरॉन का एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये एक माइलिन शीत आ गई, और इस माइलिन शीत के साथ में एसोसिएटेड ये सेल, यानी ये कौन सा सेल होगा, ये होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिन शीत का फॉर्मेशन करता है। तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे एंड में यहाँ पे देखो वेंट्रिकल की तरफ जो एम्प्टी स्पेस है उसमें आपको माइक्रोविलाय और सीलिया देखने को मिलेंगे जो कि एपेंडाइमा सेल से अटैच्ड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लिया की। दो तरह के न्यूरोग्लिया है, सैटेलाइट सेल्स और श्वान सेल्स। श्वान सेल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे केवल सैटेलाइट सेल की। यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक एक्सॉन पे और साइटोन पे। ये एक न्यूरोन हो गया। अब यहाँ पर आपको न्यूरोन में ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, दिस इज साइटोन, ये कंप्लीट साइटोन है ये पूरा, ठीक है, जो येलो कलर का, ये साइटोन हो गया और ये साइटोन का एक्सॉन, एक्सॉन वाला पार्ट। अब इस साइटोन के आपको ऊपर आपको एक जो इस तरह से सेल्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज सैटेलाइट सेल्स। ये सारे सैटेलाइट सेल्स है जो साइटोन के चारों तरफ प्रेजेंट है। नाउ व्हाट दे डू, दे सराउंड द साइटोन्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस गैंग्लिया। साइटोन के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन साइटोन्स को, और उसके अलावा ये साइटोन और उसके आसपास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं सैटेलाइट सेल्स। आपको ध्यान रखना है सैटेलाइट सेल्स और श्वान सेल्स दोनों केवल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते। बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। इसी तरह बने रहिए इल्यूम साइंस के साथ में।
जल्द ही हम लोग ये चैप्टर फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।